एड्स एक ला इलाज बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी है और इस इलाज का एक अच्छा हमारे पास तरीका कि इससे उम्र बढ़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही इस बीमारी पर जो हमारे वैज्ञानिक है विश्व के, वो इसका इलाज ढूंढ लेंगे। मेरा मानना है कि हिमाचल में 5500 के करीब एड्स के ग्रसित लोग हैं और समाज भी अब उनको थोड़ा धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है और समाज को स्वीकार भी करना चाहिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन शुरू ही नहीं किया कि उन्हें बचपन से ही पैदा होते ही एड्स होगी। हमारी सरकार इस प्रकार के जो समाज के लोग हैं उनके लिए आने वाले समय में योजना लेकर आएगी जिसकी झलक आपको बजट में दिखेगी। मेरा ये मानना है कि आज एड्स दिवस के रूप में हमें सावधानी बरतनी चाहिए और उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए जो एड्स से ग्रसित है, किस कारण हुए उन कारणों पर ना जाकर उन्हें अपनाना चाहिए। और आज खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के लोग उन लोगों को अपना रहे हैं, जो आज से 20 साल पहले जो हम देखा करते थे स्थिति कुछ और हुआ करती थी, आज बहुत परिवर्तन उस बात में आया। सर, जो हमने पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं, आप देख रहे होंगे कि आए दिन हमारे लोग हर जगह छापेमारी कर रहे हैं, चिट्टा पकड़ा जा रहा है, सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए अब स्पेशल कमांडो फोर्स की हम भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें 1200 के करीब हम भर्ती अभी निश्चित हो रही है और स्टिक करेंगे इसको, और हिमाचल प्रदेश से जो नशे के सौदागर हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। दिल्ली से खड़गे जी की किताब का विमोचन था, मैं और कर्नल धनीराम शांडिल साहब उसमें गए थे और निश्चित तौर पर हमारी सरकार का एक साल चुनौतियों भरा रहा है। जिस प्रकार की व्यवस्था पिछली भारतीय जनता पार्टी ने छोड़कर दी, शिक्षा के स्तर में निचले स्तर तक हम पहुंच गए, स्वास्थ्य में निचले स्तर तक पहुंच गए, अब मुझे खुशी है कि उसको हमने एक साल के अंदर उसमें दिशा देनी शुरू की है और जल्दी वो चीज़ें धरातल पर भी आपको नज़र आएगी। पार्टी हाईकमान से राहुल गांधी जी को, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हमने निमंत्रण दिया और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि उनमें से कोई ना कोई आएगा। खड़गे साहब को हमने निमंत्रण दिया है तो सब लोग उसमें से कोई आएंगे, कोई इसमें विधायक दल की तीन तारीख को बैठक रखी गई है, वो विधायक दल में ही बताएंगे। सर बोला ना योजना लेकर आएंगे बजट में। सर एग्जिट पोल भी सामने आए, जब नतीजे आएंगे उसी समय मैं कोई टिप्पणी करूंगा, 3 तारीख को आपको पक्का टिप्पणी में बताऊंगा। मंत्री कौन कौन? मंत्री जिसको हाई कमांड चाहेगा उसको बुला लिया जाएगा और शपथ करवा दी जाएगी। कब तक सर? ये जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको। धन्यवाद।